हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश मिश्रा। और जो व्यापम के द्वारा मध्य प्रदेश में संविदा वर्ग एक, अब वो संविदा नहीं रही है, ठीक है, तो जो लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे बायो सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, बायोलॉजी देखेंगे, या हम लोग कह सकते हैं लाइफ साइंस वाले देख सकते हैं। तो पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि जो माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं वो बायो सब्जेक्ट से डालेंगे, जो बॉटनी वाले रहे हैं वो बायो सब्जेक्ट से डालेंगे, जिनकी एमएससी जूलॉजी में रही है वो भी किससे भरेंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही क्या करेंगे दोस्तों, इस एग्जाम को देंगे। तो इस पर हम लोग जो छोटे छोटे से वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसका पहला वीडियो है और इसको देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम एक बार देख के आपकी प्रॉब्लम देख के उस लेवल पे वीडियो बना देंगे। और जो टॉपिक आपको टफ लगता है वो टफ टॉपिक भी हमें बता दें तो वो हम जो है आपको वीडियो बना के इसमें डाल देंगे, अपलोड कर दिया करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग जो बायो में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है सेल। सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सेल होती क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सेल है, पहला तो दोस्तों जो सेल का स्टडी कहलाता है, अध्ययन है, वो है साइटोलॉजी। क्या है दोस्तों? साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं सेल के लिए, तो देखिए जरा, दिस इज अ सेल, ये एक सेल है। और सेल का जो सबसे बाहर का कवर है, ये जो आउटर मोस्ट कवर है, इसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे दोस्तों? यूनिट मेम्ब्रेन बोलेंगे। यदि यूनिट मेम्ब्रेन हमें ऑप्शन नहीं है तो इसकी जगह पर जो है वो आपसे क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी दे सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका एक और अदर नेम है, इसे हम लोग जो है बायो मेम्ब्रेन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? बायो मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? बायो मेम्ब्रेन। और एक और इसका बड़ा फेमस कॉमन नेम है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक बार फिर से देखें जरा, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे, बायो मेम्ब्रेन भी कहेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट है। जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये थ्री लेयर होगी। कैसे होगी? ये थ्री लेयर होगी। तो थ्री लेयर में कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो ये जो है इसमें एक होता है प्रोटीन, एक होता है लिपिड और फिर से होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और हम इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिपोप्रोटीन कहेंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन बनी होती है, तो हम लोग लिपोप्रोटीन को टिक करेंगे। कितने लेयर की होती है? तो थ्री लेयर होती है। इनका ऑर्डर क्या होता है? तो पीएलपी मींस टू से प्रोटीन लिपिड प्रोटीन होगा। अब जैसे हम एक और चीज लेके चल रहा है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नेचर में जो मोस्टली टू टाइप की सेल होती है, कौन कौन सी टू टाइप की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। एक होगी प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगी और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगी और यूकैरियोटिक सेल में भी होगी। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में होगी वो एक सिंपल टाइप की होगी, साधारण टाइप की होगी, और जो यूकैरियोटिक सेल में होगी वो कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। कैसे होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। कैसे होगी? कॉम्प्लेक्स। आगे चल के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रोकैरियोटिक में किस किस को रखा गया है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो एक सब्सटेंस भरा हुआ है, इस सब्सटेंस को, इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या कहेंगे दोस्तों? साइटोप्लाज्मा। उस साइटोप्लाज्मा के बीच में, इसके मिडिल वाले पार्ट में या केंद्र वाले पार्ट में जो एक विशेष प्रकार की संरचना ये बना रहा हूं, इस संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और साइटोप्लाज्मा
और प्रोटोप्लाज्मा को एक साथ हम लोग कहते हैं, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मा कहेंगे। एक बार हम लोग फिर से क्विक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। जो सेल है, सेल का स्टडी साइटोलॉजी होगा। सेल का जो आउटर मोस्ट कवर है, इसे हम कहेंगे यूनिट मेम्ब्रेन, या इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, या कहेंगे हम लोग बायो मेम्ब्रेन। और अदर नेम एक और है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो थ्री लेयर होगी, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, ठीक है। और इन तीनों को एक साथ हम लोग कहेंगे लिपोप्रोटीन। क्या कहेंगे दोस्तों? लिपोप्रोटीन कहेंगे। अच्छा, जो यूनिट मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक में होगी सिंपल टाइप, और जाके यूकैरियोटिक में होगी कॉम्प्लेक्स टाइप। इसके हम लोग मिडिल वाले इसमें यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, तो एक विशेष प्रकार का जो सब्सटेंस भरा हुआ है दोस्तों, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के मिड में होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस केंद्रक कहलाता है, और ये कोशिका द्रव कहलाता है। इन दोनों को एक साथ बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मा, और प्रोटोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव द्रव कहते हैं। एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग।